मोतीपुर नामक एक छोटे से गांव में सेठ करोड़ी मल रहता था। वो था तो बहुत अमीर, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले उसके इस कंजूस बने से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाता है। अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए? 10 रुपए किलो सेठ जी। अरे ओ भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे आलू भैया, इतने महंगे? सेठ जी, पूरे रामपुर गांव में इसी दाम के आलू बिक रहे हैं, सब यही खरीद रहे हैं, और आपको महंगे लग रहे हैं। आपको लेना हो तो लो, वरना रहने दो। अरे नहीं भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूंगा? नहीं चाहिए भाई, ये आलू तुम्हारे, ये रखो अपने पास। वही कुछ दूरी पर चलते ही सेठ करोड़ी मल को एक कपड़ों की दुकान दिखती है। अरे सेठ जी, आइए आइए, कल ही बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ। ये देखिए सेठ जी, आप भी ले जाइए भाभी जी के लिए, खुश हो जाएंगी वो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ले ही जाता हूँ मंजूरी के लिए साड़ी। कब से वो बोल रही है मुझे एक नई साड़ी के लिए। ये बताओ भैया, कितने की दोगे इसे? अरे ज्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस 500 रुपए की है। क्या कहा, 500 रुपए? अरे भाई, इतनी महंगी, वो भी ये मामूली सी साड़ी। नहीं नहीं भाई, रहने दो, मंजूरी भला इतनी महंगी साड़ी का क्या करेगी। और सेठ वहाँ से आगे चला जाता है। अरे पता नहीं कब इस कंजूस सेठ को थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, जब देखो तब कंजूसी। सेठ अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, आपको आलू लाने के लिए कहा था। नहीं क्या, आप तो खाली हाथ ही आए हैं, अब मैं क्या बनाऊंगी? अरे भाग्यवान, बहुत महंगे थे आलू, इसलिए नहीं लाया, तुम कुछ और सब्जी बना लो। हे भगवान, किस आदमी से पाला पड़ गया है, हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से मैं तंग आ गई हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा कई दिनों से आलू खाने का मन है, कल मुझे आलू चाहिए बस, वरना मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी, बता देती हूँ आपको। अगली सुबह एक नौकर सेठ के पास आता है। सेठ जी, आपने कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। अरे पिछले महीने ही तो दी थी तुझे तेरी पगार। सेठ जी, वो पिछले महीने की बात नहीं है, कई महीने बीत चुके हैं उस पगार को तो। अरे क्यों करते हैं आप ऐसा, दे दीजिए ना इस बेचारे को पगार, आखिर इसे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं, आप ये क्यों बहस करते हैं जी? अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप रहो, मैं कहीं भागा थोड़ी ही जा रहा हूँ, दे दूंगा इसकी पगार, कल आके लेके जाना, ठीक है? सेठ की ऐसी बातें सुनकर नौकर बड़े उदास मन से, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी, बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जा रहा होता है कि तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया सुना है, पास वाले गांव में बहुत सस्ते में आलू की बोरियां मिल रही है। हाँ भाई सुना तो है, मैं तो कल ही जाऊंगा, आखिरी मौका फिर मिले या ना मिले। अरे सस्ते में आलू की बोरियां, अरे वहाँ अब तो मैं जरूर जाऊंगा, पास वाले गांव में, और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे आलू लाकर दे दूंगा। हाँ। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफी सस्ते में एक आलू की बोरी ले लेता है। ओहो, अब मैं ये आलू की बोरी लेकर कैसे जाऊंगा? सेठ बोरी को उठाने की कोशिश करता है। अरे अरे, ये तो बहुत भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रही, लगता है इसको ले जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत होगी। तभी उसे रास्ते में एक घोड़े का रथ दिखता है। अरे ओ रथ वाले भैया, तनिक रामपुर गांव चलोगे क्या? अरे हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन जरा आज हमारे घोड़ों की तबीयत ठीक से नहीं है, इसलिए जरा आराम से बैठिएगा। अरे हाँ भाई ठीक है, और रथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रथ का घोड़ा बहुत तेज भागने लगता है। अरे ओ भैया, ये क्या कर रहे हो, तनिक अपने इस घोड़े को थोड़ा धीरे चलाओ भाई। अरे सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे घोड़े की तबीयत आज ठीक नहीं है, अब ये रुक ही नहीं रहा है। ए भगवान, अरे भाई लगता है आज तुम्हारा ये घोड़ा मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान, आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। हाँ सेठ कई बार ऐसा बोलता है, थोड़ी ही देर बाद अचानक से घोड़े का रथ रुक जाता है। आज तो बाल बाल बचा, वरना ये घोड़ा तो मुझे मार ही डालता। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सेठ जी, अब तो आपको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ेगा,
अरे सेठ जी, अब मुझे मत भूल जाइएगा, मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को बता देता हूँ कि करोड़ीमल सेठ पूरे गांव को दावत देने वाले हैं। हाँ। ऐसा बोलते हुए पुरत वाला वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने, ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे। अब ये रथ वाला सारे गांव वालों को जाकर बता देगा कि मैं दावत देने वाला हूँ और सारे गांव वाले मेरे घर आ जाएंगे। फिर तो सभी गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा मुझे, और अगर सभी गांव वालों को भोजन नहीं कराया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे 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 ये क्या हो गया मुझसे। ये सोचकर ही सेठ बड़ा उदास हो जाता है। सेठ अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे, काफी देर में लौटे हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लिए आलू की बोरी लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। क्या हुआ जी, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये तो कितनी अच्छी बात हुई जी, आखिर आपकी जान बच गई। आपने खुद ही तो बोला था कि आप सभी गांव वालों को भोजन कराएंगे, और ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे घर सभी गांव वाले दावत पर आएंगे, वो सब हमें कितनी दुआएं देंगे। अरे तुम चुप करो भाग्यवान है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि गांव वालों के भोजन का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा। मेरे इतने सारे पैसे इस दावत में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब तो मुझे गांव वालों को दावत देनी ही पड़ेगी, अब मैं क्या करूंगा। सेठ काफी सोचता है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। सेठ जी आपने बुलाया मुझे, बताइए क्या बनवाना है आपको। मुझे ऐसे लड्डू बनवाने हैं जो किसी से भी ना चबाए जाएं। तुम एक एक लड्डू काफी बड़ा और ठोस बनाना। अरे सेठ जी ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे लड्डू का भला क्या करेंगे जिसे कोई भी ना खा पाए। तुमसे जितना बोला है तुम सिर्फ उतना करो, समझे। कल सुबह सारे लड्डू घर पहुंचा देना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये सभी बातें सेठ की पत्नी चुपके से खड़ी सुन रही होती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आते हैं। सभी एक साथ बैठे होते हैं, उनमें से एक गांव वाला। अरे भाई आज तो मजा ही आने वाला है, है? कंजूस सेठ के घर कभी भोजन करने को मिलेगा, ये किसने सोचा था भैया। भाई वाह वाह वाह, मैं तो पेट भर कर खाऊंगा भैया। हाँ भाई सही बोल रहे हो, आज लगता है सेठ जी ने बहुत मजेदार मजेदार पकवान बनाए होंगे। हाँ मेरे मुंह में तो ये सोचकर ही पानी आ रहा भैया। इसके बाद सभी गांव वाले हंसने लगते हैं कि तभी वहाँ पर सेठ करोड़ी मलाता है। अरे सेठ जी आज तो हम जी भर कर खाएंगे। हाँ 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 क्यों नहीं भाइयों, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भोजन आता ही होगा। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तों से बनी खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है, काफी देर के इंतजार के बाद। अरे भाई न जाने कितनी देर में आएगा भोजन। हाँ भाई कब से तो इंतजार कर रहे हैं, अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, अब सब्र नहीं होता भाई। कि तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे लड्डू लेकर आती है और सबकी प्लेट में एक एक लड्डू रख देती है। अरे सेठ जी बस एक लड्डू, इसमें भला हमारा क्या होगा, इस एक लड्डू से तो हमारी भूख ही नहीं मिटेगी। अरे भाइयों ऐसा नहीं है, मैंने आप सभी गांव वालों के लिए काफी सारे पकवान बनवाए हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। खेल? भैया कैसा खेला सेठ जी। तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली में रखा लड्डू खा लेगा उसे ही पकवानों से भरी थाली दी जाएगी और साथ में एक सोने का सिक्का भी दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने सामने रखे लड्डू को उठाते हैं और खाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना अपना लड्डू खत्म कर देते हैं, जिसे देख सेठ हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे हो गया, इन सब ने तो ये लड्डू खा ही लिए। हे भगवान अब तो इनके लिए पकवानों से भरी थाली मंगवानी पड़ेगी। ये लो सेठ जी खा लिया आपका लड्डू, अब जल्दी से पकवानों से भरी थाली मंगवा दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है मंगवाता हूँ अभी। कि तभी सभी गांव वालों को पकवानों से भरी एक थाली दी जाती है, जिसे गांव वाले